नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। मोहब्बत का इजहार तो कब का कर चुके हैं विराट कोहली। दोनों की मोहब्बत में कोई पर्दा नहीं, कोई राजदारी नहीं, हर कोई जानता है ये लव स्टोरी। लेकिन इस लव स्टोरी में नया ट्विस्ट बनकर आया है विराट कोहली का ये बयान, अनुष्का माय लव। विराट विश्व कप के मुकाबले में बिजी हैं, अनुष्का अपनी नई फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन सात समंदर की दूरियों के बीच प्यार का ये इजहार बहुत कुछ कहता है। क्रिकेट के मैदान से लेकर दर्शक दीर्घा तक, एक साथ नाइट आउट से लेकर शॉपिंग और सैर सपाटे तक, अनुष्का और विराट का इश्क सरेआम दिखता है। कोई पर्देदारी नहीं, कोई राजदारी नहीं, दिलों की चाहत जमाने के सामने छलकती रही है। यहाँ तक कि इश्क का कबूलनामा भी दोनों तरफ से सबके सामने हो चुका है। अटकल है तो बस शादी की तारीखों की, लेकिन इन अटकलों के बीच बैकग्राउंड में बजता ये गाना भी कुछ कहता है। अनुष्का और विराट के दास्ताने इश्क में नया ऐलान जोड़ता है। इस ऐलान की पहली कड़ी तो ये कि विराट क्रिकेट की पिच के साथ अनुष्का के लिए भी बैटिंग करते दिखे। अनुष्का को खुलेआम माय लव तो कहा ही, अनुष्का की नई फिल्म की तारीफ भी खुल कर की। NH10 नाम की ये फिल्म तो आप भी देख चुके हैं, जिसमें अनुष्का शर्मा के काम की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन मौका जब अपनी लेडी लक की तारीफ का हो तो अंदाज ही बदल जाता है। क्वार्टर फाइनल से पहले फुर्सत के वक्त विराट अनुष्का की फिल्म NH10 देखने गए। फिल्म क्या देखी, अपनी लेडी लव के शानदार परफॉर्मेंस से हिल गए। फिल्म देखने के बाद विराट भी अपने जज्बात रोक नहीं पाए। विराट ने ट्विटर पर लिखा, अभी मैंने फिल्म NH10 देखी, क्या गजब की फिल्म है। खासतौर पर माय लव अनुष्का का परफॉर्मेंस, मुझे तुम पर नाज है अनुष्का। अनुष्का शर्मा ने फिल्में तो तमाम की है, लेकिन अनुष्का के काम की ऐसी तारीफ पहली बार खुलकर की है विराट ने। इस मामले में अनुष्का शर्मा आगे रही हैं। विराट की शानदार पारियों पर दर्शक दीर्घा से अपनी खुशी और अपने प्यार का इजहार करती रही हैं। इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के तमाम मैचों में अनुष्का कुछ यूं हौसला अफजाई करती रही हैं, और क्रिकेट के मैदान पर विराट लगातार आंकड़े बदलते गए। कई बार अनुष्का की मौजूदगी और विराट की शानदार पारियों का संयोग ऐसा बना कि अनुष्का विराट की लेडी लक कही जाने लगी। विराट की वो लेडी लक विश्व कप के दौरान अभी ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंची, लेकिन फिल्म के प्रमोशन में बिजी होने के बावजूद निगाहें वर्ल्ड कप पर भी टिकी हैं, और अब तो BCCI ने भी बीवियों और गर्लफ्रेंड्स के साथ रहने पर पाबंदी हटा ली है। तो क्या पता अनुष्का शर्मा भी विराट को चीयर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। आखिर अपनी लेडी लक का इंतजार तो विराट को भी होगा। अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल का है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ भिड़ंत होने वाली है। वैसे तो विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन 19 मार्च का मुकाबला भी तो निर्णायक है। महीने भर की दूरियों की जो कोशिश है वो तो अपनी जगह है ही। ऐसे में अनुष्का दर्शक दीर्घा में मौजूद रहें और पिच पर विराट के बल्ले से बिजली कौंधें, कमाल कैसा हो सकता है ये दुनिया देख चुकी है। क्रिकेट के रोमांच के साथ ये भी कि अनुष्का की अदाओं में विराट को अपना रब दिखता है। आज तक ब्यूरो। विराट और अनुष्का की मोहब्बत को लेकर गॉसिप्स तो तमाम तरह के बनते रहे, लेकिन कयासों के बीच ये मोहब्बत की पिच पर जोड़ी बनी रहे ये बात ना विराट कोहली ने छुपाई और ना ही अनुष्का शर्मा ने इनकार किया। दिल की बात बढ़ी तो जमाने के सामने भी दिखाई दी अपनी पूरी रवानगी के साथ। रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। सारी दुनिया ने देख लिया, रब दिखता है, रब ने देख लिया, मैं क्या, अपनों ने देख लिया, परायों ने देख लिया, तो दोनों के दिलों ने भी कबूल कर ही लिया कि हाँ वो धड़कते हैं, एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। जो है सबके सामने, आई मीन ना तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग,
बट वही चीज के बारे में अगर रिपीटेडली सवाल पूछे जाएं और उस चीज को एक मैटर ऑफ डिबेट बना दिया जाए तो दोनों इंडिविजुअल्स को वो चीज ठीक नहीं लगती। तो अगर आप कहीं साथ में दिखते हैं फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि इज इट कन्फर्म, आई मीन वो एक कॉमन सेंस की चीज है कि मतलब सबको ऑब्वियसली इफ यू नो देन व्हाई आस्क द सेम क्वेश्चन। वैसे एक बात तो है कि विराट और अनुष्का ने कभी भी, जी हाँ कभी भी, इस रिश्ते को कोई नाम बेशक ना दिया हो लेकिन झूठ कभी नहीं बोला। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। मुंबई से लेकर न्यूजीलैंड तक दोनों हाथों में हाथ डाले घूमते देखे गए लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की। हिम्मत दी हैदराबाद की इन तस्वीरों ने, सवाल पूछने वालों को भी और जवाब देने वालों को भी। श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली रन बटोर रहे थे, जैसे ही आधे सैकड़े को आंकड़े ने छुआ तो बल्ला हवा में उठा। अमूमन जो बल्ला दर्शकों की तरफ उठता है वो उस खास गैलरी की तरफ उठा जिसमें विराट कोहली के रिश्तों का सबसे खास चेहरा बैठा था। जिस बल्ले से विराट ने ढेरों रन बटोरे थे उस बल्ले से इस स्टार क्रिकेटर ने इश्क की सलामी अनुष्का शर्मा तक भेजी। इशारों इशारों में दिल की बात हो गई। इससे पहले दोनों का इश्क पर्दे में था लेकिन पहली बार छलक कर वो बाहर निकला था। छलका तो अनुष्का ने भी उसे छिपाने की कोशिश नहीं की। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने कब कोई चीज छुपाई है, मैंने अपनी जिंदगी खुलेपन से जी है, मैंने कभी भी छुपाया या मना नहीं किया है, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करना पसंद नहीं करती। मैं छत से शोर नहीं मचा सकती, लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। खैर दोनों के स्वीकार करने के बाद इस लव स्टोरी का पार्ट वन तो एंटी क्लाइमैक्स हो चुका है लेकिन जमाना कहां मानता है, रिश्ते के परवान चढ़ने की चर्चाओं का दौर तो अभी चलता ही रहेगा। रसेश मंडानी, मुंबई, आज तक। विराट और अनुष्का की कहानी में अटकलें सिर्फ शादी की तारीख को लेकर हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद एक शादी तो पक्की नजर आ रही है। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। ए देखो वो इश्क छुप छुप के फरमा रहे हैं, है क्या मजा, दिल ही दिल में तो घबरा रहे हैं। ए देखो वो इश्क छुप छुप के फरमा रहे हैं, है क्या मजा, दिल ही दिल में तो घबरा रहे हैं। लगता है दोनों पड़ोसी हैं वो, रिश्ता ही ऐसा है जाने भी दो, हम वो करेंगे खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों।